बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो यार हम अभी अपने मुर्गा पकड़ने के चक्रों में थे और यहाँ पर एक भाई ने अपनी जो है वो बकरियाँ लाकर भी इधर छोड़ी हुई थी, तो ये उनके साथ भी काफ़ी पहले पास पास जा रहा था, लेकिन अभी उनसे भी दूर आ गया है क्योंकि हम इसे पकड़ने के लिए जा रहे थे यार, लेकिन भाई ये हाथ नहीं आया। इतने दिनों बाद तो इसको आज़ादी मिली थी और ये देखें किस तरह अपने माशाल्लाह पर खोल रहा है, और अब तो घास वगैरह भी माशाल्लाह खाने लग गया है। जबकि हमारे सेटअप पे रहते हुए यार ये घास वगैरह नहीं खाता था, और अब माशाल्लाह ये बहुत खुश था। लेकिन शाम भी हो रही थी तो हमें फिक्र थी इसको जल्द से जल्द हम पकड़ें। और ये देखें जो काम हम करना चाह रहे थे वो भाई ने भी किया हुआ है। जो बकरी उसकी सबसे ज़्यादा भागती है, उसने उस भाई ने ना उसको रस्सी के साथ ईंट के साथ बांधा होगा ताकि वो ज़्यादा दूर ना भागे, और हमारा मुर्गा जो है वो आज़ाद फिर रहा है। लेकिन इंशाल्लाह हम अपने मुर्गे को दोबारा जो है वो लेकर आएंगे घुमाने के लिए। तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि कौन सा मुर्गा हम दोबारा लेकर जाएं घुमाने के लिए, लेकिन ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और देखिए अब मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ यार इसको पकड़ने की, लेकिन इसकी स्पीड इतनी लग रही है और ऊपर से यहाँ पर कांटे बहुत पड़े थे जिसकी वजह से मुझे भी चलने में मुश्किल हो रही थी, और हमारे मुर्गे का भी डर था यार कि अगर इसको कांटे वगैरह लग गए तो इसके लिए भी बुरा हो सकता है। तो जल्द से जल्द मैं इसे ना साइड पर लेके जाना चाह रहा था। और ये देखें यार बाइक हिला के ना जैसे ये हमें भूल ही गया है कि हम इसके कुछ लगते हैं सेटअप पर, तो यार ये माशाल्लाह हाथ में आ जाता है आसानी से, बासानी हाथ में आता है। मगर चलें यार अब क्या कर सकते हैं। फिर हम बकरियों के पास आए, गए बकरियों को थोड़ा प्यार वगैरह किया, बकरियां देखी, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक है इंशाल्लाह सेटअप पर भी, बहुत जल्द हमारे सेटअप पर भी बकरियाँ आएँगी, लेकिन सर्दियों में इंशाल्लाह। अभी गर्मी है तो उनको रखने का इंतज़ाम नहीं है, तो सर्दियों में इंशाल्लाह प्रॉपर जब इंतज़ाम हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपको भी जो है वो हमारे सेटअप पर बकरियाँ देखने को मिलेंगी। तो आप भी यार अगर हमारी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं और जानवरों से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो जो है वो आप तक भी पहुंचे। बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कर लेना यार, तो उससे ये होता है कि जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी वो फ़ौरन आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो आप देख सकेंगे। और अब बकरियों के बाद यार मुर्गे को दोबारा पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन देखें वो अपनी मस्ती में गुम। ये देखें कि वो इधर भाग रहे कभी उधर, और मैं इसके साइड पर आगे पीछे बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि ये किसी ना किसी तरह हाथ आ जाए। और ये देखें यार अब कितना दूर जा चुका है, मुझे बस ना फिक्र हो रही थी क्योंकि ना सिर्फ जो है वो अंधेरा होने में आधे से पौना घंटा रह गया था और सब लोग भी यहाँ से जा चुके थे, बस हम ही रह गए थे यहाँ पे सिर्फ मुर्गे को पकड़ते हुए पागलों की तरह, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं। अब आ गई है यार खतरे की घड़ी, क्योंकि हमारा मुर्गा जो है वो फसलों के पास आ गया, और सबसे बड़ा अब जो फिक्र पड़ गई थी हमें सबसे बड़ी फिक्र कि हमारा मुर्गा जो है वो फसलों के अंदर ना चला जाए, क्योंकि यहाँ चला गया तो हम अंदर भी नहीं जा सकते यार क्योंकि किसी की फसल है, और ऊपर से फिर शाम हो रही है तो फिर उसको ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता। तो बस मैं यही कोशिश कर रहा था यार किसी न किसी तरह मुर्गे को जो है वो इधर से हटा के कहीं और ले जाऊँ ताकि वहाँ पर हम इसको आसानी से पकड़ सकें, लेकिन भाई ये कितना पास जा चुका था फसलों के तो यहाँ से हटाना इसको यार तकरीबन नामुमकिन सी बात थी, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने ये काम भी जो है वो कर लिया था। तो ये देखें अब मैं यही कोशिश कर रहा हूँ साइड से जा जाके कि वो यहाँ से जो है वो दूर चला जाए, क्योंकि यहाँ से वो आसानी जो है वो फसलों में जा सकता था, लेकिन माशाल्लाह देखें वो बाहर आ गया। तो अब थोड़ा सुकून फील हो रहा था कि हमारा मुर्गा जो है वो अब सेफ़ है, लेकिन फिक्र यार अभी भी थी क्योंकि हाथ में तो अभी तक नहीं आया था मुर्गा, और सबसे बड़ा जो काम है वो इसको पकड़ना ही था, जो कि काम यार पिछले पौने घंटे से नहीं हो पा रहा था। और अब ना ना करते यार मुर्गा दोबारा फसलों में आ गया, लेकिन ये इसकी दूसरी साइड है जहाँ पे ना कम थी ताकि हम अंदर जा सकते हैं इस जगह पे, लेकिन आगे वाली साइड नज़र आ रही ना आपको कितनी गहरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह यार मुर्गा हमने फाइनली पकड़ लिया, देखिए मैं पसीना पसीन हो गया था, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि ना हमारे मुर्गे को जो है वो सांस चढ़ गया यार, जिसकी वजह से वो रुक गया, उसको जैसे मैंने हाथ रखा ना वो उसने दोबारा भागा ही नहीं, उसको बहुत बुरा सांस चढ़ गया, उसका यहाँ पर पानी भी नहीं था इसको पिलाने के लिए। तो लेकिन अब इस बात की खुशी थी कि यार हमारा मुर्गा जो है वो अब हमारे पास है, हमारे हाथों में है, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। और ये देखिए यार अब मैंने ना हाथों की रस्सी उठा के इसके पैरों में डाल दी, लेकिन अब देखिए फिर ये भागना शुरू हो गया, जैसे इसका सांस उतरा ये भागना, मैंने कहा चलो उसको ना थोड़ा वाक अब करा लूँ, खा पी ले घास वगैरह जो है वो खा ले, लेकिन नहीं ये भागना चाह रहा था मुझसे दूर जाना चाह रहा था। फिर मुझे लगा यार इसको भी तकलीफ़ ना हो रही हो पैर में, इसने पहली दफ़ा इस तरह ना रस्सी कोई बांध दिया है, तो शायद इसीलिए ये बार बार इस तरह उछल रहा था। फिर मैंने इसको उठा लिया कि चलो बस यार बस रहने दो, नहीं फिर आते इसको।
और अब मैंने यार इसको ना अपने पास ला के खड़ा कर लिया, चले मेरे पास अब खड़ा रहे इसको उनसे और मैं भी बैठ जाऊँ और मैच बैठ के हम जो है वो मैच देख लेते हैं, मुर्गा भी हमारा जो है वो थोड़ा रेस्ट कर ले। और ये देखें माशाल्लाह कितने सुकून से आराम से खड़ा है। तो ये थी यार हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने बहुत ही पसंद की होगी और इन्जॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें यार, ताकि मजीद आने वाली वीडियो और उसके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलें। दुआओं में याद रखें, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।